में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को इंडस्ट्री को मिलेगा? देखिए बात बता आपसे, जब तक हम कुछ सपोर्टिव नहीं होंगे ना, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार को करना होगा तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होगा। और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्स सर वहाँ नहीं होगा। तो सरकार को क्या कहना पड़ेगा, हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं। और सरकार चाहेगी, देखिए सरकार बदली है तब क्या होता है, सरकार तो एक बार और भी बदली थी। बट देखिए, नियति अगर अच्छी हो ना तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है, उनका नियत करने का क्या है, अब ये वही बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो एक आर्टिस्ट आदमी हैं, कलाकार आदमी हैं, और हमें अपनी कलाकारी करने अच्छा आता है। हम बेहतर गा सकते हैं, बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं, बेहतर कहानियों पर काम कर सकते हैं। हम इंजीनियर तो बन गए हैं, बट अगर हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो हम मकान कहाँ बना पाएंगे। तो मकान बनाने के लिए अगर ज़मीन हमारी सरकार देती है, और हमारी शुभकामना है उस सरकार पर, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। इस नई सरकार के साथ शायद कुछ बेहतर हो सके। अगर फिल्म नीति आ जाए, वहाँ पे फिल्म सिटी बन जाए, मल्टीप्लेक्स हो जाए, हॉलों की स्थिति सुधर जाए, थिएटर की स्थिति सुधरेगी तो लोग ऑफिसली आएंगे। क्योंकि अब पहले वाली स्थिति तो है नहीं, आज हर आदमी के पास अच्छे पैसे हैं, वो बेहतर सीट देखते हैं, बेहतर थिएटर चाहते हैं, बेहतर साउंड के साथ देखना चाहते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें बेहतर अगर हो गई और सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिल गया तो हमारी भी सिनेमा साउथ से कम नहीं है, और हम ही उतने खर्चा करकर बनाने की क्षमता रखते हैं, उतनी बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम भी, ताकि हम बेहतर कर सकें। तो बेहतर जब चीज़ें मिलती है, फिर भी उसके बावजूद हमारे पास व्यवस्था तो कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने की। और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे साथ है और कोशिश हम करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है, जो सरकार में है वही बता पाएंगे कि वो फिल्म नीति के लिए क्या करती है और फिल्म दुनिया के लिए क्या करती है। थोड़ी सजा के रखा है शूट के दौरान, और वैसे तो मैंने देखा कि ट्रेलर काफी हिट हैं, और कोई किस्सा कसर में याद आता है अपनी शादी का, जो कि कितने ज्यादा यादों पे याद आ गया हो थोड़ी सजा के रखना के दौरान, जो शेयर करना चाहें? हम अपने शादी में तो 4 बजे भोर ले स्टेज पर थे,